हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में माही एंड लवली मोम। दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल तड़का, दाल फ्राई तड़का। पहले फ्राई करेंगे, फिर बाद में उसमें तड़का लगाएंगे, और आप देखना ये रेसिपी झटपट बन जाएगी और बहुत मस्त लगेगी। होटलों में जैसी दाल बनती है वैसी दाल बनेगी, बहुत टेस्टी बनेगी। तो बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में, चलिए फिर चलते हैं। दोस्तों, दाल फ्राई तड़का बनाने के लिए मैंने ये एक कटोरी दाल भिगो दी थी, और इसको कम से कम 20 मिनट हो गए हैं भिगोए हुए। और देखिए, ये डबल हो चुकी है, अच्छे से भीग चुकी है। आप भी जब भी दाल फ्राई या तड़का जो भी बनाएं, तो कई लोगों को क्या फ्राई दाल ही पसंद होती है, कई को तड़का पसंद होती है चटपटी सी। आप जब भी ये बनाएं तो तुअर की दाल को 10-15-20 मिनट पहले भिगो दें, ताकि दाल अच्छे से भीग जाए। और अब इसे हम कुकर में 2 सीटी लगाएंगे। दोस्तों देखिए, मैंने दाल से थोड़ा ऊपर इसमें पानी डाल दिया है, और इसमें मैं आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी डाल दूंगी, और इसको 2 सीटी लगाएंगे हम। और अब हम कुकर को बंद कर देंगे, और अब हम इसमें 2 सीटियां लगाएंगे। दोस्तों, तड़के के लिए मैंने प्याज काट लिया है बारीक, और ज़्यादा भी बारीक नहीं है, और 2 हरी मिर्च काट ली है, और टमाटर काट लिया है। अब हम इसमें, और देखिए ऑयल डाल दिया है, और अब हम इसमें वही रेगुलर वाला अपना जीरा, राई जीरा ऐड करेंगे, और 1-2 कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। आप लहसुन खाते हो तो लहसुन भी डाल सकते हैं, पर मैं लहसुन कम यूज में लेती हूँ, तो मैं लहसुन नहीं डाल रही इसमें। अब प्याज डाल दें और हरी मिर्ची डाल दें साथ में। दोस्तों, प्याज फ्राई हो रहा है, और मैंने कुकर में 2 सीटियाँ आ गई है, और ये बंद कर दिया है। और ये 2-3 पत्ते मैंने, 2 पत्ते कड़ी पत्ते के मैंने तड़के के लिए भी रख दिए हैं। अब मैं इसमें टमाटर डालूंगी, प्याज में बहुत ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना है। अब इसमें टमाटर डाल दूंगी मैं। दाल को हमेशा भिगो के ही बनाएं, ताकि दाल अच्छी फूल भी जाती है, ज़्यादा हो जाती है, और टेस्ट भी अच्छा आता है। प्याज को अच्छे से फ्राई कर लें। दोस्तों, अब मैं इसमें, वहाँ हमने दाल में भी नमक डाला है, तो नमक अपने हिसाब से डालें। और इसमें नमक, लाल मिर्ची और धनिया पाउडर, हल्दी। मसाला पकाने के लिए थोड़ा सा पानी ऐड करें, ताकि आपका मसाला अच्छे से पक जाए। दोस्तों देखिए, हमारी दाल एकदम बढ़िया हो चुकी है, और मसाला भी पक के एकदम बढ़िया हो चुका है। अब हम इसमें दाल ऐड करेंगे। मसाला रेडी है, अब दाल ऐड करेंगे हम इसमें। ये देखिए, इस टाइम आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डाल दें, और अगर आपको कलर चाहिए तो फिर वो कश्मीरी लाल मिर्च डाल दें कलर के लिए, नहीं तो तड़के से बहुत अच्छा कलर आ जाता है, कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। दोस्तों, हमारी दाल एकदम पक चुकी है, और अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। तड़के के लिए एक पैन ले लें, उसमें आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, बटर या ऑयल से भी तड़का दे सकते हैं। मैं यहाँ पर इसमें घी डाल रही हूँ 1 चम्मच, और इसके लिए मैंने 2 कड़ी पत्ते लिए थे, और 2 लाल मिर्च ली है, और ये ले ली है मैंने। अब इसको गर्म होने दें। दोस्तों, इसमें थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी राई और ये लाल मिर्ची और कड़ी पत्ता डालें, और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर ये भी ऐड कर दें, और इसको अच्छे से होने दें।
अभी कढ़ाई में। चलिए दोस्तों अब हम अपनी दाल को चेक करते हैं। ये देखिए दाल बहुत ही अच्छी और टेस्टी लग रही है, ये बहुत टेस्टी बनी है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिए। अब हम इसमें फाइनल टच धनिया डालेंगे। दोस्तों अब मैं इसमें धनिया ऐड कर देती हूँ। आप भी दाल तड़का बनाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी दाल तड़का कैसी बनी। ये काफ़ी टेस्टी बनी हुई है और आप भी ज़रूर बनाइए। और मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलती हूँ एक नए रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय।